भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इकबाल अहमद का भिवंडी में पार्टी के अलग अलग कार्यालय में जमकर सत्कार किया गया। इसी क्रम में आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महासचिव रानी अग्रवाल ने अपने आवास पर अल्पसंख्यक विभाग के नए अध्यक्ष इकबाल अहमद का स्वागत सत्कार के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक फारूकी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमार फड़तरे, रेहाना अंसारी, जावेद फारूकी, के एम सुहेल खान, फिरोज भिवंडीवाला, नफीस अंसारी, अनस अंसारी, जाकिर मोमिन, सत्यनारायण चिपा, डॉक्टर कादिर सैयद, वसई विरार अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्शद डबरे, नगर सेवक में अरुण रावत, राहुल छगन पाटिल, अशरफ मुन्ना, डॉक्टर जुबेर और आरिफ खान सहित भिवंडी कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इकबाल भाई आज भिवंडी शहर के अध्यक्ष भिवंडी शहर के बनाए गए। इस मौके पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी लोगों को बोलना बहुत है, लेकिन इनका मैंने काम देखा है। मैं पहले भी कांग्रेस में ही था, कुछ वक्त के लिए मैं दूसरी पार्टी में चले गया, लेकिन ये हमेशा से मुझे एक ही चीज़ बोलते आए कि जावेद भाई तुमने गलती की है, तुम्हें कांग्रेस में रहना चाहिए, वापस आना चाहिए। मैं कोशिश ये करता रहा कि ये मेरी तरफ आ जाए और ये कोशिश ये करते रहे कि मैं इनकी तरफ आ जाऊँ, लेकिन आज कामयाब यही हुई है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोग जमा हुए और ये प्यार कांग्रेस का प्यार है और यही प्यार हमारी भिवंडी शहर के अंदर कहीं ना कहीं कामयाबी दिलाएगी। अगर हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर शहर के अंदर काम करेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरे को जो दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं राष्ट्रवादी में 2-2.5 साल काम किया, मुझे लोगों को जोड़ना पड़ता था, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर लोग जुड़ते हैं। अपने को सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, सामने वाले 10 कदम आने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सही प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सही जगह नहीं पहुंच रहे, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग पीछे जा रहे हैं। हमको भिवंडी शहर के अंदर मेहनत करने की जरूरत है। ये मैं 2 बातें बोलूंगा कि मुझे थोड़ा सा गुटबाजी नजर आती है, वो गुटबाजी हमको खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी को बढ़ाना है तो हमको गुटबाजी खत्म करना, मुझे ऐसा लगता है। मैं नया हूँ इस पर ये कांग्रेस के लिए, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि उन सब चीजों को अगर हम खत्म करेंगे तो पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एक नंबर पे थी, आने वाले टाइम में भी एक नंबर पे रहेगी। और मेरी यही चाहत है कि हम सब जिस प्लेटफॉर्म पे रहे वो एक प्लेटफॉर्म एक नंबर पे रहे, ये मेरा बोलना है। और फिर से मैं एक बार दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ इकबाल भाई को और मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ऑल इंडिया चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी साहब का, हमारे जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं मोहम्मद अहमद खान साहब का, और हमारे महाराष्ट्र के चेयरमैन एमएम शेख साहब, और हमारे जोन के जो चेयरमैन हैं अनीस कुरैशी साहब, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रमोट किया, और हमारे तारिक फारूकी साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन भी एमपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी रिकमेंडेशन किया। मैडम हमारे रानी अग्रवाल मैडम, जिन्होंने कहा कि बेहतर है, इकबाल से बेहतर कोई नहीं हो सकता यहाँ पे इस पद के लिए, और जिसकी वजह से मुझे ये पद मिला है, मैं इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि मानाटी शहर है और हमारा मानाटी के अध्यक्ष दूसरी पार्टी में चले गए थे, वो जगह खाली थी, उस पद को मुझे संभालने की जिम्मेदारी मिली है। चूँकि आप सबको पता है कि मैं पिछले 10 साल से पार्टी में एक्टिव वर्कर के रूप में काम किया हूँ। मानाटी में मैंने प्रदेश में काम किया है, महाराष्ट्र प्रदेश के दर्जनों ज़िले में जा कर के मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए भिवंडी में मुझे जो समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि मैं एक बेहतरीन अध्यक्ष साबित होऊंगा। हमारे पार्टी के तमाम सीनियर लोग, हमारे पार्टी के यूथ के लोग, हमारी पार्टी के जो वेलविशर हैं वो सब मेरे साथ हैं, और मैं एक बेहतरीन टीम बनाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। अध्यक्ष साहब से पूरा भिवंडी, अध्यक्ष साहब ने खुला आरोप लगाया है कि मैं यहाँ भिवंडी शहर का अध्यक्ष हूँ, मुझे बाईपास करते हुए ऊपर से पद लेके आया गया है, यानी एरोप्लेन से लैंड किया गया ये पद, उसे वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये अध्यक्ष का
खुला आरोप है। नहीं, उस आरोप का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये हमारा माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट है, इसके हमारे ऑल इंडिया के चेयरमैन अलग होते हैं, हमारे स्टेट के चेयरमैन अलग होते हैं, हमारे इंचार्ज अलग होते हैं, और वो यहाँ से रिपोर्ट लेकर के जो मेरिट पे होता है उसको बनाते हैं। चूँकि मैंने पिछले 5 साल से माइनॉरिटी में पूरे महाराष्ट्र लेवल पे काम किया है, मेरी मेरिट का यहाँ पे कोई नहीं था, और मेरी मेरिट को सर्टिफिकेट देने वाले हमारे जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उन्होंने दिया था, इसलिए मुझे बनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि मेरे काम से भी लोग खुश होंगे कि मैंने काम जिस तरह से पहले किया है आगे भी पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। उनकी इंडिविजुअल कोई राय हो सकती है, मुझे उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना है, वो मैं पार्टी ऑफिस में बात करूंगा। इस कार्यक्रम को पार्टी ऑफिस में ना करते हुए रानी मैडम के घर पे किया गया, ऐसा क्यों? नहीं, पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम जब वो रखेंगे तो बिल्कुल जाऊंगा। ये प्रोग्राम मैडम ने, ये तो आप लोग हमेशा छुपाते रहते हैं, लेकिन है तो नहीं, छुपाने की क्या बात है भाई, छुपाने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, बड़ी मछली है, मगरमच्छ है, सभी छोटी मछलियां हैं, सारे जीव जंतु हैं यहाँ पर, समुद्र के अंदर होते हैं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, सभी हैं। और छोटी मोटी बातें सब, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अंदर, सभी उसमें पार्टियों में होती हैं, नेशनल लेवल पर होती हैं, स्टेट लेवल पर होती हैं, लेकिन वो हमारे परिवार का मसला है, और परिवार का मसला परिवार में ही सुलझाया जाता है। वो जरूरी है कि भाई ये कुछ गैर समझ हो गई है, और रशीद भाई से बात करेंगे, और पार्टी के अंदर इनका जब ये यूपी के इलेक्शन से आ जाएंगे, और इनका भव्य स्वागत जो रशीद भाई ही रखेंगे पार्टी ऑफिस में। कुछ गलतफहमी होगी, उनको नहीं समझ में आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कोई गलतफहमी नहीं है, ना ही गुटबाजी है वो पार्टी के अंदर। दिन जो रानी मैडम की अध्यक्षता में जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए मैं रानी मैडम का मैं यह धन्यवाद देता हूँ कि उनका दिल भी रानी मैडम रक्विंग के हिसाब से ही बड़ा है। जो हमारे भिवंडी में जो महाराष्ट्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी होके भिवंडी डिस्ट्रिक्ट में वो जो कांग्रेस का काम बड़ा करने के लिए, कांग्रेस फैलाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और इधर मंच पर बैठे हुए सब सीनियर लीडर, जनरल सेक्रेटरी फारूकी साहब, फिरोज साहब, अपने कॉरपोरेटर आरिफ दादा, मुन्ना भाई कॉरपोरेटर, अरुण राउत साहब, सोहिल भाई, तारे अपने जावेद भाई, और मैडम महिला रियाना अंसारी मैडम, सबका यह धन्यवाद देता हूँ। भिवंडी ये अल्पसंख्यक का सिटी है, यह अल्पसंख्यक लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो दंगल ग्रस्त होने के बाद जो लोगों को समस्या आई इसके लिए अल्पसंख्यक लोग बहुत पीछे चले गए, इसके वजह से हमारे माइनॉरिटी का शेयर होके इकबाल साहब उनको न्याय देंगे, ये हम लोग शुभेच्छा देते हैं। इसके मैं धन्यवाद देता हूँ उनको ये पोस्ट के लिए, और आगे भिवंडी में कांग्रेस का काम बड़ी तरीके से करेंगे।